And welcome to another episode of Living Arts. Main hu Reshma Malik. Friends, it's time again for your weekly dose of art, art and more art. As promised, this week too, I shall be taking you with me on an exciting trip through a designer's dream. Har hafte ki tarah aaj bhi, aapki mulaqat do aise fankaron se karwane ja rahe hain, jinke mukhtalif design philosophies aapka man moh lenge. Ancient, traditional, timeless art that truly reflects the pure expression of a sculptor's soul. Aaye is kadeem art ki jadid shakal Abdul Jabbar Gul ke kaam mein dekhte hain. Aaj different strokes mein is mahir fankar se mulaqat karwa rahi hain Rumana Hussain unhi ke studio mein. Chale dekhein Abdul Jabbar Gul ne metal aur lakri se kya kuch takleek kiya hai. Let's go and experience his creations in all their glory and grandeur. आज आपकी मुलाकात अब्दुल जब्बार गुल मैं आपकी मुलाकात अब्दुल जब्बार गुल से करवा रही हूँ. आइए जब्बार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच. आप समझ ही गए होंगे जब्बार एक स्कल्प्टर हैं और हम इनसे पूछते हैं कि इनका जो ये पूरा सफर है वो कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और किस तरफ जा रहा है. एक्चुअली मेरा जो बेसिक ताल्लुक है वो मीरपुर खास इंटीरियर सिंध में है जगह, वहाँ से है. और आर्ट में कैसे आया इसका शायद जवाब वैसे वही है कि बचपन से शौक था, और लिटरली बचपन से शौक था. वहाँ जो रास्ते में साइन बोर्ड पेंटर्स थे उनको देख के इंस्पायर होता था कि वो किस तरह से लिख रहे हैं या किस तरह से वो तस्वीर बना रहे हैं. ये शौक चलता रहा वो किताबों की हद तक, कापियों की हद तक. फिर उसके बाद एक कमर्शियल बोर्ड पेंटर की शॉप जो है वो ज्वाइन की, कुछ अर्से वहाँ पे काम किया. फिर एनसीए का पता चला कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि आप आर्ट की एजुकेशन ले सकते हैं और आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं. तो फिर एनसीए में लाहौर चला गया. मैंने एज ए डिज़ाइन स्टूडेंट वहाँ पर एडमिशन लिया और मैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन में डिज़ाइनर बनना चाहता था, लेकिन क्योंकि शुरू से वो ड्राइंग और पेंटिंग का एक शौक था तो हर आदमी मुझे यही पुश करता था कि तुम्हें फाइन आर्ट में होना चाहिए. वो शायद कुछ लोगों ने इतना ज़्यादा कहना शुरू किया, कुछ टीचर्स ने भी, और जो मेरी स्केच बुक देखता वो कहता कि तुम्हें फाइन आर्ट में होना चाहिए. लेकिन मैं बदस्तूर मैंने अपना डिज़ाइन का जो है वो सिलसिला जारी रखा और थर्ड ईयर डिज़ाइन मैंने कम्प्लीट करने के बाद कुछ दो तीन वाकयात ऐसे हुए जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी. मैंने कहा नहीं, ये फील्ड मेरी नहीं है. क्योंकि डिज़ाइन में होता है कि आपको आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और आपकी जो वो सारी फुल कमर्शियल काम होता है, जबकि मेरा अपना इंटरेस्ट ये था कि मैं वो करूं जो मैं करना चाहता हूं. तो फिर कुछ वो जो दूसरों का एक सजेशन थी या मशवरे थे वो भी,
और कुछ फिर मैंने भी ये सोचा कि मुझे फाइन आर्ट्स में होना चाहिए, देन आई स्विच टू फाइन आर्ट। सेकेंड ईयर फाइन आर्ट में क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग का था तो पेंटिंग करने का एक था इरादा कि एज ए पेंटर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, लेकिन सेकेंड ईयर में वहाँ आपको एक इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है जिसमें आपको पेंटिंग भी करना पड़ती है, प्रिंट मेकिंग भी करना पड़ता है, स्कल्पचर। तो जब स्कल्पचर किया तो लगा कि हाँ ये कोई ऐसी चीज़ है, आई फाउंड माई वोकेशन, माई पैशन इन अ वे, और मुझे चैलेंजिंग लगा, मुझे लगा कि ये फील्ड ऐसी है कि जिसमें पेंटिंग ठीक है मैं कर लूँगा, ड्राइंग मैं कर लूँगा, लेकिन ये कैसा था कि जो मैंने ऑनेस्टली मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं स्कल्पचर करूँगा। तो उस वक्त जो भी वो पोर्ट्रेट बनाया और वो जो सारी फील थी क्ले में एक फॉर्म बिल्ड करने की और जैसा आपका रेफरेंस है वैसी चीज़ बनाने की, वो एक्सपीरियंस ही ऐसा था कि मैंने डिसाइड उस वक्त आपने ये बनाया गालिबन। ये फिर ग्रेजुअली जब स्कल्पचर मैंने मेजर एज ए मेजर सब्जेक्ट ले लिया तो ये फोर्थ ईयर में हम वहाँ पे लाइफ से स्टडीज करते हैं, और बेसिकली मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ह्यूमन फॉर्म में रहा है, तो मैंने फिगरेटिव बहुत काम किया है, तो ये उनमें से एक पीस है जो काफी 10-12 मैंने पूरे रियलिस्टिक जो फिगर स्टडीज होते हैं वो मैंने किए थे, तो उनमें से ये एक मैंने अपने पास अपनी कलेक्शन के लिए रखा है। मुझे रुमाना पर्सनली ये लगता है कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं आर्टिस्ट की जिंदगी में। अब जैसे जब आप एकेडमी में या किसी इंस्टीट्यूट में होते हैं तो मेरी जिस स्कूल ऑफ थॉट से मेरी बिलोंगिंग है या जो मुझे लगता है कि आपको एकेडमिकली चीज़ों में साउंड होना चाहिए, यानी जो भी अगर जैसे मेरा फिगर में इंटरेस्ट है तो मुझे फिगर की मैक्सिमम डिटेल, यानी थॉरो नॉलेज तो नहीं हो सकती लेकिन मैक्सिमम मुझे इन्फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, फेस कैसे होता है, हाथ कैसे होते हैं, तो वो स्टडी करना जरूरी होता है। इसके बाद जब आप आपकी अपनी सॉर्ट ऑफ एक पर्सनल वोकैबुलरी डेवलप होना शुरू होती है और आपकी स्टेटमेंट या आपके काम में एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन शुरू होता है तो वो फिर मॉडिफाई होना शुरू हो जाता है, वो फिगर फिर ट्रांसफॉर्म होती है डिफरेंट। फिर जैसे इस वक्त ये किया था मैंने अगर 93-94 में, तो आज 15 साल के बाद ये जो शक्ल निकली है इस शक्ल के निकलने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये ना किया होता तो प्रॉबेबली मैं इस इतनी सिंप्लीफिकेशन की तरफ ना आ पाता। जहाँ तक इन फॉर्म्स का या मेरे काम को एक्सप्लेन करने का सवाल है वो खासा मुश्किल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम सब दो दुनियाओं में रहते हैं, एक तो वो दुनिया है जो हम जो जिसको फिजिकल वर्ल्ड जो आप में एक्सपीरियंस करते हैं, एक वो है जो मेटाफिजिकल जो आप आंखें जब बंद करते हैं जो आपके अंदर की दुनिया है। तो मेरा सारा काम जितना भी अब तक प्रोड्यूस हुआ है वो उसी दरमियान में उसी क्वेश्चनिंग पर है। कभी मैं जब थोड़ा फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं जिसमें पॉलिटिक्स है, जिसमें टू अ सर्टेन एक्सटेंट सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारी या रिलेशनशिप्स हैं, एब्सोल्युटली फैमिलीज का जिस तरह का है उनको मैं करता हूँ, लेकिन जो मेरा स्पिरिचुअल साइड है उसमें फिर मेरा जो एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट है सूफीज़म में है और स्पिरिचुअलिटी में है, तो मैं उन चीज़ों को शेयर करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस की होती हैं लेकिन मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये तावीर जो है उसके मुताबिक बताएं। अच्छा, तख्ती मेरे काम में बहुत रिसेंट 2-3 साल पहले से आना शुरू हुई। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने अपने काम में जब टेक्स्ट को इन्वॉल्व किया तो मुझे लगा कि टेक्स्ट के लिए मुझे कोई सर्फेस चाहिए और समहाउ तख्ती से बेहतर सर्फेस मुझे कोई नहीं मिला, और ये भी मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि मैंने बचपन में बहुत तख्ती लिखी है और मैं कैलीग्राफी जानता हूँ कि कैसे वो लिखा जाता है। मगर ये तो एक गार्बेज था कुछ वो है ना, ये कोई खास टेक्स्ट नहीं ये खास इसका ये हुआ कि मैंने जितनी भी जबानें बोली या लिखी जाती हैं चीज़ा जबानें जिसमें उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, चाइनीज़ है, संस्कृति है या और भी,
उनके जो लिखने का तरीका है यानी जिस तरीके से वो लिखा जाते हैं उनका एसेंस लेके मैंने अपनी एक लैंग्वेज डेवलप की विच इज फॉर मी इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड और मैं खुद उसको नहीं पढ़ सकता। तो किसी ने कमेंट किया कि ये मोहब्बत की जबान है जो दिल से दिल को जाती है। तो मैंने कहा ये आपका ये भी एक कॉम्प्लीमेंट जिसकी जो मर्जी आए पढ़े जो मर्जी आए पढ़े। An emotional intensity is perhaps the most important element of Jabbar's creation. In khoobsurat creations ko dekhke, beshak aapke bhi man mein halchal paida hui hogi. Friends, we shall continue this journey some more into another creator's mind. But all of this after a